बर्फ बहुत जरूरी है, पानी बनता है उससे, और लगता भी अपने को जोरदार तालियां हो जाए बर्फ की। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सेव वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। एक होती बर्फी, एक होता पेड़ा, जो नहीं खाएगा वो है। मुझे यकीन है, क्योंकि यकीन एक ट्यूबलाइट की तरह होता है। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर संकेत भोसले। आपने कभी भूले भट्ट के मुझे देखा होगा, टीवी पर नहीं है, बैंड्रा में। तो आज सारे एक्टर्स यहाँ पे आ नहीं पाए ये डे सेलिब्रेट करने, तो मैं कुछ एक्टर्स, उन्होंने मुझे भेजा कि गो एंड रिप्रेजेंट अस। यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा बढ़ेगा सर। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा हम सभी के फेवरेट, यानी कि द बैंड्रा बॉय मिस्टर संजय दत्त। हेलो एवरीवन, आज की शाम कुछ ज़्यादा ही खास है। खास मतलब कुछ पार्टी बीटी नहीं है, हाँ राइट। खास यानी कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, एनवायरनमेंट मतलब नेचर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट, हाँ वही नेचर, नेचर हवा पानी वो जो तुम लोग दिन रात खराब कर रहे हो। अरे दाढ़ी कर रहे हैं, नल चालू है, क्या नाटक है। ब्रश मार रहे हैं तो इधर नल चालू है, क्या नाटक है। ग्लोबल वार्मिंग सुना है कि नहीं, उधर एंटार्क्टिका में बर्फ पिघल रहा है। बर्फ कितना जरूरी है मालूम है ना तुमको? ग्रेप जूस के लिए सर, ग्रेप जूस के लिए। मैडम प्लीज मेरे बर्फ का टॉपिक डिस्टर्ब मत करो। बर्फ बहुत जरूरी है, पानी बनता है उससे, और लगता भी अपने को जोरदार तालियां हो जाए बर्फ की। जोरदार। कल को मेरा एक दोस्त, इधर दोस्त नहीं है मतलब ऐसे ही जान पहचान का, रवीना। हाय रवीना, हाउ यू डूइंग, लॉन्ग टाइम नो सी। कल को मेरा दोस्त इधर ही, रात को 3 बजे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, उधर के गया। मैं बोला क्या करके आया रे? बोला जाके आया। बोला रोड पे? बोलता हाँ। बोलता विद्या बालन बोल रही है जहाँ पे सोच वहाँ पे शौचालय। बोला अबे गोचू, ऐसा नहीं है कि सोच लिया कि यहाँ पे शौचालय और कर दिया, ऐसा नहीं है, अलग सोच है, अपनी सोच बदलो। बोलो हाँ। वैसे बाबा वो आपका फ्रेंड वो 3 नाम वाला था क्या? नील नितिन नितेश। हाँ कौन सा? नील नितिन नितेश गो, नील नितिन मुकेश, नील नितिन, ज्यादा समझ में आता तो आप ही बोलो। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आई एम अ बैंड्रा बॉय, आई लव माय बैंड्रा, आई लव महाराष्ट्र, आई लव इंडियन, आई लव अर्थ। तो ध्यान रखिए अपना खुद का भी और नेचर का भी। थैंक यू। और कौन आया हमारे साथ डॉक्टर संकेत भोसले, या और कौन आया है सर? हाँ हम सलमान सर के पास आ रहे हैं, हम पहले फरहान आ रहे हैं यहाँ पे। फरहान अख्तर यहाँ पर आ नहीं पाए सर, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा एक मैसेज दे देना मेरी तरफ से, मैं उनका मैसेज लेकर आया हूँ कि हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग, इट्स गोइंग गुड। If you are going to be saying hi by like many characters tonight. Yeah. You're right. मैं यही कहना चाहता हूँ कि save water, don't waste water. And everything comes in packets and it's a gift by God. So always use it. उसके लिए एक गाना dedicate कर रहा हूँ मैं। माफ कीजिए गला थोड़ा खराब है आज। It's dedicated to environment, Mother Nature. अंकित भाई आपके लिए। गाना ऐसा है, तुम हो तो गाता है दिल, गाता है तुम नहीं, तो क्या है यहाँ, तुम हो तो है हासिल, है हासिल, तुम नहीं तो क्या है यहाँ, यहाँ तुम हो तो है। कमान भाई,
सपनों के जैसा हसी एक समा तुम हो तो ये लगता है कि मिल गई हर खुशी जो तुम ना हो बोलो हर खुशी में है कभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई लव माय कंट्री एंड थैंक यू सो मच। एंड सलमान खान, सलमान सर के पास आ रहे हैं, उसके पहले रणबीर कपूर। सलमान खान, सलमान सर खान, सलमान सर, वी आर स्टैंडिंग इन बांद्रा मैडम, आई विल गेट थ्रोन इनटू द ओशन एंड आई रियली लव यू। एंड रणबीर, रणबीर कपूर, हाय गाइस, गुड इवनिंग गाइस, ये रणबीर है। क्या बोल रहे हैं, या इट्स भांगड़ा फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया एंड हॉस्पिटल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के बारे में मैं कुछ बोलूँगा। मैं ये कहूँगा कि एक होती है बर्फी, एक होता है पेड़ा, जो नहीं खाएगा वो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट मिस्टर कपूर, यू नेवर सेड हाय टू रवीना जी। आपने हाय नहीं बोला। हाय हाय रवीना जी, सलमान सर आ रहे हैं अभी तो मैं निकल लेता हूँ। रवीना जी, अरे अरे, मैं आने में थोड़ा सा देर, क्योंकि आप तो सिटक रही है ऐसे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर, आसिफ सर की बहुत बहुत तारीफ सुनी हमने। हर साल वो एनवायरनमेंट डे करते हैं, यहाँ पे सबको बुला के सेलिब्रेट करते हैं। मुझे यकीन है कि ये धरती को बचाने के लिए काम आएगा, और मुझे यकीन है, क्योंकि यकीन एक ट्यूबलाइट की तरह होता है, जलता है, देर से जलता है। देखना ना भूलिए, ट्यूबलाइट इज ईट पे। थैंक यू सो मच।